हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, बीए फाइनल सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ समाजशास्त्र पेपर 2 सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ A333 A333। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट है सामाजिक अनुसंधान, अर्थ, महत्व, प्रकार एवं सोपान। तो यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, इसका पहला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों की खोज की जाती है। तो जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें कौन से तथ्यों की खोज की जाती है, पुराने, नए, दोनों या कोई नहीं? तो अनुसंधान है तो अनुसंधान में नए तथ्यों की खोज की जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही है। सामाजिक अनुसंधान में नए तथ्यों की खोज की जाती है। अनुसंधान में सामाजिक तत्व जो सम्मिलित होता है, मानव व्यवहार को सन्निविष्ट करना, ये बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक तत्व का ध्यान रखना, बिल्कुल राइट। सामाजिक रूप से प्रासंगिक तत्वों को देखना, बिल्कुल राइट। और उपर्युक्त सभी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सामाजिक घटनाएं होती है सरल या जटिल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो सामाजिक घटनाएं होती है वह जटिल होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, सामाजिक घटनाएं जटिल होती है। किसने कहा, अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार यह ज्ञान के मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है? तो दोस्तों, ये कहा था पी हैरिंग ने, ऑप्शन डी हमारा सही है। पी हैरिंग ने कहा, अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार यह ज्ञान के मौजूदा भंडार में नवीन ज्ञान को जोड़ना है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी पी हैरिंग सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वे अनुसंधान के प्रकार है? अनुगमन, बिल्कुल राइट। संगणना, बिल्कुल राइट है। प्रतिदर्श, बिल्कुल राइट। और डी दिया, उपर्युक्त सभी। तो सर्वे अनुसंधान के प्रकार अनुगमन भी है, संगणना, प्रतिदर्श, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक है, हाँ, नहीं, दोनों या कोई नहीं? तो ये बताओ, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक होता है या नहीं? तो दोस्तों, ये तो विकास में सहायक होता है क्योंकि अनुसंधान है, और सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हाँ सही है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है, इसमें प्रकृति बतानी है, सामाजिक है या वैज्ञानिक या आर्थिक या कोई नहीं? तो दोस्तों, अनुसंधान है, रिसर्च है, तो रिसर्च कौन करेगा, साइंटिस्ट करेंगे यानी कि वैज्ञानिक, इसलिए सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। अनुसंधान होता है रिसर्च, रिसर्च कौन करते हैं, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक करते हैं, इसलिए सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट, प्रयोगाश्रित अनुसंधान का स्थान है वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रारंभ से, बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अंत से, बिल्कुल राइट। वैज्ञानिक अनुसंधान के मध्य से, बिल्कुल गलत है ये। अनुसंधान में किसी भी जगह, बिल्कुल गलत। तो जो प्रयोगाश्रित अनुसंधान का स्थान जो होता है वो होता है वैज्ञानिक अनुसंधान के अंत में, लास्ट में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी राइट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस शोध में सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? विशुद्ध शोध, बिल्कुल गलत। वर्णात्मक शोध, बिल्कुल गलत है। व्यवहारिक शोध होता है इसमें, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। व्यवहारिक शोध में सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण कौन सा है? वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण कौन सा होता है? निर्देशन का चुनाव, गलत।
शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन, बिल्कुल राइट है। तथ्यों का विश्लेषण, ये रोंग है। प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल गलत। तो वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण होता है शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन। सबसे पहला चरण क्या है? उद्देश्य है। जो उद्देश्य है सबसे पहला क्या होता है? उद्देश्य होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन। ये होता है वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अनुसंधान का उपयोगितावादी उद्देश्य नहीं है? उपयोगितावादी उद्देश्य नहीं वाला बताना इसमें कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया प्रशासन में सहायक, ये तो होता है। सामाजिक योजनाओं में सहायक, बिल्कुल होता है। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण, बिल्कुल राइट है। और सामाजिक तथ्यों की जानकारी, ये गलत है। तो इसमें कौन सा बताना था कि उपयोगी उद्देश्य नहीं है? तो इसलिए कौन सा नहीं है? सामाजिक तथ्यों की जानकारी देना। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। राइट कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी, सामाजिक तथ्यों की जानकारी, इसका उद्देश्य नहीं है। क्रियात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? क्रियात्मक शोध केवल तीन प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक शोध तीन प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य है मार्गों का वर्णन करना, जिस रूप में चीजें हैं, बिल्कुल राइट है। भविष्यवाणी करना उन मार्गों की, जिस रूप में चीजें होगी या नहीं, बिल्कुल ये गलत है भाई। चरों के मध्य संबंधों की पहचान करना, रॉन्ग है। कारण और प्रभाव संबंधों का पता लगाना, बिल्कुल गलत। तो राइट है इसमें। वर्णनात्मक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य होता है मार्गों का वर्णन करना। क्या होता है दोस्तों? मार्गों का वर्णन करना, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मार्गों का वर्णन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? सामाजिक घटनाओं के मध्य पाए जाने वाले प्रक्रियात्मक संबंधों का पता लगाना, बिल्कुल राइट है भाई। नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना, बिल्कुल राइट। सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल राइट। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण, ये गलत दिया हुआ है। उसने कहा कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो नहीं में कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी, सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। तो घटनाओं पर नियंत्रण तो कोई भी नहीं कर सकता, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो इसमें दिया हुआ है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, ये तो संबंध होता है भाई। इसमें बोल रहा कि कौन सा संबंधित नहीं है? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, समाज कल्याण, सामाजिक तथ्यों की व्याख्या। तो इसमें समाज कल्याण सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति नहीं है। क्योंकि सामूहिक अनुसंधान की प्रकृति होती है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, सामाजिक तथ्यों की व्याख्या, बिल्कुल राइट है। गलत कौन सा? इसमें समाज कल्याण। उसमें पूछा गया सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? समाज कल्याण नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, सामाजिक अनुसंधान का प्रेरणार्थक कारक क्या है? अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, बिल्कुल राइट। नवीन एवं अप्रत्याशित परिस्थितियां, बिल्कुल राइट। और दोनों, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों। किसने उपकल्पना को एक कामचलाऊ सामान्यीकरण माना है, या किसने कहा है कि एक प्राकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिनकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है? तो ये कहा था लुंडबर्ग ने, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट है, लुंडबर्ग। नेक्स्ट, के अनुसार प्राकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाव गया उत्तर है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, टाउन सेंड। तो टाउन सेंड के अनुसार प्राकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाव गया उत्तर है। किसने कहा प्राकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है? तो ये कहा था P.H. मन ने, ऑप्शन सी हमारा राइट है। किसने कहा प्राकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है? तो दोस्तों देखो, प्राकल्पना में क्या है? पी है, तो पी से P.H. हो जाएगा, ठीक। कामचलाऊ अनुमान, अनुमान में क्या है? मान आया है, तो इस मान से क्या हो जाएगा हमारा? मन। अनुमान मान से मन हो जाएगा। वो प्राकल्पना में क्या है? पी है, इनके प है, तो प से हो जाएगा पी। P.H. मन, अनुमान। अनुमान कौन लगाएगा? मन, इनके P.H. मन, ठीक है।
इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट है, पी एच मन। नेक्स्ट है, किसने कहा अच्छे अनुसंधान में प्रकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। तो दोस्तों ये कहा था गुड एवं हैट ने, गुड एवं हैट ने कहा था अच्छे अनुसंधान में प्रकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है, तो ये कहा था गुड एवं हैट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड एवं हैट ने प्रकल्पना के प्रकारों का उल्लेख किया है। तो इसने भी तीन प्रकार का उल्लेख किया है, ठीक है। इससे पहले प्रश्न में भी तीन प्रकार था, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है। क्रियात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं क्रियात्मक शोध, ठीक है। और तीन प्रकार के, और इसमें भी यहाँ पे कितना है, गुड एवं हैट ने प्राकल्पना के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तीन प्रकार के। उससे ऊपर का आंसर क्या है, अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है, किसने कहा था? गुड एवं हैट ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस विद्वान का मानना है कि उपकल्पना तथ्यों एवं सिद्धांतों के बीच एक कड़ी है? तो ये कहा था पी एच मन ने, किसने कहा था? पी एच मन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकल्पनाओं के महत्व कौन कौन से है? तो इसमें राइट बताना है कि कौन कौन से है, ठीक है। उचित दिशा प्रदान करना बिल्कुल राइट है। प्राकल्पना में अटूट विश्वास, ये गलत दिया हुआ है भाई। अध्ययन क्षेत्र को सीमित रख करना, ये भी सही है। तथ्यों के संकल्प में सहायक, ये भी राइट है। विशिष्ट अभिरुचियों तथा संयोगों का प्रभाव, ये गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन ए में, 1, 3 व 4। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसंधान प्रश्नों का औपचारिक विवरण या अनुसंधान अध्ययन का उद्देश्य है? तो इसमें दिया गया, यह साहित्य के निरीक्षण पुनरीक्षण से पहले तैयार होता है, बिल्कुल गलत है। यह साहित्य के पुनरीक्षण के बाद तैयार होता है, बाद में तैयार होता है। अनुसंधान प्रक्रिया के मार्गदर्शन में सहायक होता है, बिल्कुल राइट है। ओ डी दिया, बी वैसी दोनों, ये भी राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी वैसी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण अनुसंधान नियोजन के चरणों में नहीं है? तो इसमें चरणों में नहीं वाला बताना है। तो इसमें दिया अनुसंधानीय समस्या की पहचान करना, ये तो चरण में होता है। वर्तमान अनुसंधान का पुनरीक्षण, ये भी राइट है। अनुसंधान प्रश्नों का विवरण, ये भी राइट है। अनुसंधान का मोटा विश्लेषण, मेटा विश्लेषण संचालित करना, ये गलत है। तो इसके चरणों में कौन सा नहीं है? अनुसंधान का मेटा विश्लेषण संचालित करना। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यूनिट फर्स्ट का पहला पार्ट था। तो नेक्स्ट वीडियो बनेगी यूनिट फर्स्ट के पार्ट सेकेंड पर, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।